हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के सी मोटो वर्ल्ड। तो गाइस, आज है अपने पास R15 V3। तो आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स में आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 से 3 साल मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए हो गए, तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या क्या मुझे इसके अंदर ख़राब चीज़ लगी है, क्या क्या मुझे इसके अंदर अच्छी चीज़ें लगी हैं। तो भाई, गाड़ी पावर के मामले में गाड़ी के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और अगर इसको कंपेयर करें V4 से, तो ये है V3। तो इसके अंदर आपको सेम इंजन, सब कुछ सेम मिलने वाला है। 155 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलने वाला है, जो कि आपको V4 में ही मिलता है। बस इसके अंदर फ़र्क ये है कि जो पुरानी वाली V3 है, इसके अंदर आपको पावर हल्का सा 18.37 BHP की ये पावर आपको प्रोवाइड करती है, जो कि नई वाली V4 है जो आपको 18.1 की पावर आपको प्रोवाइड करवाती है। तो गाड़ी इंजन वाइज, हर चीज़ वाइज सेम है, लुक वाइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है ग्राफिक्स वगैरह का, बाकी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में कि ये इसको चलाने के बाद मुझे क्या क्या इसके अंदर फील हुआ है, क्या क्या मुझे ख़राबी लगी है और क्या क्या मुझे इसकी अच्छाई लगी है। आज पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द बाइक एंड आप बाइक की एक बार कंडीशन आप देख सकते हो कि बाइक, आपको पूरा वॉकराउंड देता हूँ कि गाड़ी को आपको मालूम नहीं चलेगा 3 साल हो चुके हैं, तो किस तरह की गाड़ी आपको एक बार देखने में लग रही है। कोई भी मुझे इसके अंदर हल्के थोड़े बहुत पतले थोड़े बहुत स्क्रैचेज आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन अगर इसके अलावा कोई बात करी जाए तो आपको यहाँ पे कुछ भी स्क्रैच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। तो आपको गाड़ी के अंदर एक काफ़ी मैसिव सा लुक देखने के लिए मिलता है, काफ़ी बीस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। सीटिंग पोस्चर है काफ़ी अग्रेसिव है, आप जब गाड़ी राइड करोगे तो आपको देखने वाले भी बोलेंगे कि कोई अच्छी गाड़ी बड़ी गाड़ी चला रहा है। तो ये तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं। बाकी बात करें इंजन की, तो 18.37 BHP की आपको इसके अंदर इंजन प्रोवाइड करवाता है पावर, एंड 14.2 का आपको इसके अंदर टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और ये इंजन आता है VVA टेक्नोलॉजी के साथ। VVA टेक्नोलॉजी क्या होती है अगर आपको जानना है, तो आपको मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ये इसकी यहाँ पे VVA की बैजिंग भी दी गई है, तो R15 की कुछ इस तरह से बैजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो कि इसका इंजन आता है वो आपको लिक्विड कूलिंग के साथ मिल जाएगा। बाकी डुअल चैनल ABS गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। V3 एंड V4 में फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा मॉडिफिकेशन उसकी लाइट्स वगैरह में है। कोई एक अच्छा टॉप एंड गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। 150 CC की गाड़ी अगर आपकी 155 की स्पीड क्रॉस कर रही है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा की फैक्टर है। बाकी लुक वाइज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। माइलेज गाड़ी का बोलना चाहूँगा, माइलेज गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा। ये गाड़ी अगर आप इसको सही से चलाते हो तो आपको ये हद से हद आपको 50 से ऊपर का एवरेज निकाल के प्रोवाइड करेगी, तो आपको एवरेज के अंदर उसके अंदर कोई इशू होने वाला नहीं है। और बाकी अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाड़ी की। हल्का सा यहाँ पे इंपैक्ट आप देख सकते हो, एक बार गाड़ी गिरी थी लेकिन सिर्फ यहाँ पे इंपैक्ट आया है उसके, बाकी और कहीं भी इंपैक्ट नहीं लग रहा है देखने में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उस तरह इस गाड़ी की भी कुछ खामियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अभी मैं इसको राइड करके आ रहा था, सबसे आप मेरे हाथ देख सकते हो, यहाँ पर लाल हो रहे हैं। तो आपका इतना अग्रेसिव पोस्चर है कि आप जब गाड़ी राइड करोगे तो आप आगे की साइड पूरे लीन हुए रहोगे इस गाड़ी के अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी कलाइयों पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। बाकी अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स की आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। ये यहाँ से इसको थोड़ा बांध के रखा है, नहीं तो ये बार बार निकल जाता है। तो एक इसके अंदर थोड़ा यामा को काम करना चाहिए। फिर बात करें अगर पिलियन की, तो यहाँ पर पिलियन के लिए काफ़ी, मतलब एक छोटी सी सीट दे के रखी है जो कि स्प्लिट है पूरी तरीके से, और पीछे ना उसके कोई सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पिलियन को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये जो मडगार्ड है, इसमें मडगार्ड आपको इस साइड में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा इस पे यार काम करना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी आप धुलवा के रखते हो बिल्कुल, तो यहाँ से आपको, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है। तो ये चीज़ भी है। बाकी टायर के अंदर अभी एक नट घुसा पड़ा है, और ट्यूबलेस टायर है इसलिए चल रहा है। MRF के आपको यहाँ पर टायर दिए गए हैं। बाकी पूरा ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो कोई दिक्कत का सामना इतना नहीं करना पड़ा। जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने वीडियो में रख दिए हैं। और अगर आप भी R15 लवर हो तो एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद।